1586 में आज ही के दिन मुगल सेना ने कश्मीर में प्रवेश किया था। 1708 में आज ही के दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या कर दी गई। 1914 में आज ही के दिन प्रसिद्ध गायिका बेगम अख्तर का जन्म हुआ। इन्हें दादरा, ठुमरी व गजल में महारत हासिल थी। उन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री तथा सन 1975 में पर्णोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। बेगम अख्तर को मल्लिकाए गजल के खिताब से नवाजा गया था। 1931 में आज के दिन दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ अभियान चलाने वाले डेस्मंड टूटू का जन्म हुआ। 1949 में आज के दिन जर्मनी के सोवियत कब्जे वाले इलाके में एक संविधान लागू किया गया, जिसके कारण पूर्वी जर्मनी बना। तकरीबन 4 दशक के बाद पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी एक बार फिर से एक हो गए। 1950 में आज के दिन मदर टेरेसा ने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। 1992 में आज के दिन रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना की गई। 2001 में आज के दिन आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका का ऑपरेशन एड्योरिंग फ्रीडम शुरू हुआ था। 2004 में आज के दिन जर्मनी ने सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का समर्थन किया। 2008 में आज के दिन फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास 4 दिन की राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे थे। 2011 में आज के दिन लाइबेरिया के राष्ट्रपति एलन जॉनसन सरलीफ, महिला अधिकार कार्यकर्ता लिमेहे जिबोई और यमन की तवाकुल करमान को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई।